दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के अंतिम हिस्से में आसमान में एक नया खौफ जो सोवियत यूनियन और ब्रिटिश एयरफोर्स का नाक में दम करा हुआ था, यह था नार्जी यूएफओ या हॉट एंड हॉट 229, जिसमें सबसे पहली बार डेल्टा विंग्स को इंट्रोड्यूस करा गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डेल्टा विंग्स में एयरक्राफ्ट की विंग्स त्रिकोण के आकार में होते हैं। एग्जांपल के तौर पर ग्रिपेन, राफेल, टाइफून, तेजस, जो सभी डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं। और दोस्तों ऐसा क्या वजह थी कि इंजीनियर्स को नॉर्मल विंग्स से डेल्टा विंग्स में जाना पड़ा, जहां नॉर्मल विंग्स एयरफॉइल डिजाइन के साथ आते हैं जो कम स्पीड यानी सबसोनिक स्पीड में भी आसानी से लिफ्ट फोर्स जनरेट करते हैं। वहीं डेल्टा विंग्स में ऐसा नहीं है, जिसे ऑपरेट करने के लिए हाई थ्रस्ट इंजन की जरूरत होती है, और इसी के चलते ही भारत में बना कावेरी इंजन तेजस में फेल हो चुका है। लेकिन डेल्टा विंग्स की कई एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि कम ड्रैग के साथ यह आसानी से मार्क 2 का रफ्तार पकड़ सकता है, और मैन्युवरेबिलिटी के मामले में अगर डेल्टा विंग्स के सामने में फिन्स लगा दिया जाए तो इसे आसमान में पकड़ना बेहद ही टफ है। वहीं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मामले में यह डिजाइन फेल है।